हेलो, गुड इवनिंग. लेक्चर 3. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बैक वर्क रेशियो. व्हाट इज़ बैक वर्क रेशियो, व्हाट इज़ वर्क रेशियो, एंड व्हाट इज़ द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन एंड कंप्रेशर. ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिराइव किया था इफिशियंसी का फार्मूला. इफिशियंसी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इफिशियंसी इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज इक्वल टू 1 - 1/RP गामा माइनस 1/गामा. ये जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आप देखिए ये पूरा टर्म जो है आपका, अगर इफिशियंसी को मैक्सिमम होना है तो इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा. अगर इस पूरे टर्म को मिनिमम होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर रेशियो, ये जो आरपी का टर्म है, ये जो आरपी वाला टर्म है वो आपका क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? मिनिमम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो आपकी आरपी की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, मीन्स प्रेशर रेशियो की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? आपको बढ़ानी पड़ेगी. साथ ही साथ अगर आप देखिए गामा माइनस 1/गामा की वैल्यू, अगर आप गामा को इंक्रीज करते हो तो गामा माइनस 1/गामा की पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी. अगर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आरपी, तो डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज होगा. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पूरा का पूरा ये टर्म क्या होगा? डिक्रीज होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफिशियंसी बढ़ानी है तो आपको स्पेसिफिक हीट का रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा, ये भी आपको इंक्रीज करना होगा. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है. पहली कि अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो भी आपका इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल बढ़ेगा, और अगर आप स्पेसिफिक हीट रेशियो इंक्रीज करते हो तो भी आपका इफिशियंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल जो है वो बढ़नी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये था. अब हम लोग पढ़ेंगे बैक वर्क रेशियो, वर्क रेशियो एंड आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. देखिए बैक वर्क रेशियो क्या होता है. बैक वर्क रेशियो इसको हम शो करेंगे RBW. बैक वर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द कंप्रेसर एंड टर्बाइन. दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द कंप्रेसर एंड टर्बाइन. ठीक है, ब्रेटन साइकिल में दो कंपोनेंट जो है, एक कंप्रेसर होता है, एक टर्बाइन होता है. तो इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द कंप्रेसर एंड वर्क डन बाय द टर्बाइन. तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में बैक वर्क रेशियो आ गया तो इसका मतलब ये है कि बैक वर्क रेशियो दिया हुआ है. इसका मतलब ये दिया हुआ है वो कंप्रेसर के वर्क और टर्बाइन के वर्क का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, दूसरा एक टर्म है आपका वर्क रेशियो. वर्क रेशियो, वर्क रेशियो का मतलब होता है, वर्क रेशियो का आपका मतलब होगा नेटवर्क अपॉन वर्क डन ऑफ टर्बाइन. वर्क रेशियो का मतलब होगा नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब क्या है? जो आपका नेट आउटपुट मिला, मींस टर्बाइन माइनस कंप्रेसर, दिस इज द नेटवर्क अपॉन टर्बाइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हो 1 - WC/WT इज इक्वल टू 1 - RBW. तो यहाँ पर आपका वर्क रेशियो WC से इसे आप डिनोट कर सकते हो, RW से डिनोट कर सकते हो. वर्क रेशियो RW ये होगा 1 - RBW. यानी कि वर्क, यहाँ पर आपका वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो के बीच में रिलेशन आ गया है. ठीक है, तो वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1 - बैक वर्क रेशियो. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. और अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी.
तो चलिए पढ़ते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है? देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि चाहे वो टरबाइन हो या कंप्रेसर हो, ठीक है, आपका टरबाइन का जो वर्क है वो 3 to 4 मिल रहा है और जो कंप्रेसर का वर्क है वो 1 to 2 मिल रहा है। हम यहाँ अब एज्यूम किए थे कि 1 to 2 जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है वो कैसा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज़ सम इंक्रीज इन द एंट्रोपी। ठीक है, हमेशा कंप्रेशन अगर अपन देखें तो कुछ ना कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, या फ्रिक्शन की वजह से आप कह लीजिए क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी का टर्म आया। तो वो जो फ्रिक्शन के कारण जो एंट्रोपी इंक्रीज हुई, तो अगर हम कंप्रेसर की बात करते हैं तो कंप्रेसर में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम टर्बाइन की बात करते हैं तो उस आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से टर्बाइन से हमें कम वर्क मिलेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से टर्बाइन में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर अपन टर्बाइन की बात कर रहे हैं अगर अपन टर्बाइन की बात कर रहे हैं तो टर्बाइन से हमें जो वर्क मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी का मतलब हम दो अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे, एक कंप्रेसर के लिए और एक टर्बाइन के लिए। तो आप बताइए, अगर अगर कंप्रेसर की बात करते हैं तो अगर उसमें फ्रिक्शन है तो उसका जो एक्चुअल वर्क होगा, फ्रिक्शन का अगर उसमें जो फ्रिक्शन है तो उसका जो एक्चुअल वर्क होगा, एक्चुअल वर्क जो उसने रियली किया, इट शुड बी ग्रेटर देन आइसेंट्रोपिक वर्क। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्रेसर के लिए। भाई अगर किसी कंप्रेसर में फ्रिक्शन आपको प्रेजेंट होगा तो जो उसका एक्चुअल वर्क होगा, मतलब जो एक्चुअल आप उसमें वर्क आपको करना पड़ेगा वो ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू द आइसेंट्रोपिक वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको इसकी कंप्रेसर की जो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी बनेगी वो ये बनेगी, आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। ठीक है, इफिशियंसी किसी भी चीज़ की लेस देन वन होती है, तो देखिए एक्चुअल वर्क इज ग्रेटर देन इन द केस ऑफ द कंप्रेसर। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी का फार्मूला बनेगा कंप्रेसर के लिए वो आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। दूसरा, अगर अपन बात करते हैं टर्बाइन की, अब टर्बाइन के केस में हमें वर्क मिलना है, ठीक है ना, वर्क हमें कुछ ना कुछ गेन होगा, तो अगर उसमें फ्रिक्शन है तो जो हमें जो वर्क गेन होने वाला है वो कम गेन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में एक्चुअल वर्क शुड बी लेस देन ऑफ द आइसेंट्रोपिक वर्क। आइसेंट्रोपिक वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी इफिशियंसी आपको डिफाइन करनी है तो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन शुड बी, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन शुड बी एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क जस्ट अपोजिट टू द कंप्रेसर। रीजन समझ में आया, एंट्रोपी सॉरी इफिशियंसी शुड बी लेस देन वन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी होगी जो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, बात समझ में आई, डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी होगी जो न्यूमरेटर से ज़्यादा होगी। तो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। आगे हम इसको इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि आइसेंट्रोपिक वर्क ऑफ द कंप्रेसर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर क्या होगी, आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। ठीक है, अब अगर इसको फॉर्मूले के टर्म पे देखें तो आप देखिए TS कर्व में एक्चुअली आइडल अगर प्रोसेस देखें तो 1 to 2 होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इंटरनल फ्रिक्शन हो रहा है, तो क्या प्रोसेस हो रही है, 1 to 2 डैश ये प्रोसेस हो रही है,
1 to 2 डैश, तो इसका मतलब इसमें जो आइसेंट्रोपिक वर्क था वो कितना होना चाहिए, H2 माइनस H1, लेकिन एक्चुअल वर्क कितना हो रहा है, H2 डैश माइनस H1। सिमिलरली अगर टरबाइन की बात करें तो टरबाइन में आइसेंट्रोपिक वर्क, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क, ठीक है। तो इसमें टरबाइन की अगर बात करें हम, तो टरबाइन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 to 4 मान लीजिए कि ये कैसी है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कैसे होगी, कुछ एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि 3 to 4 डैश मान लीजिए कि ये एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल पॉइंट है, ये आपका आइसेंट्रोपिक पॉइंट था, मतलब कि अगर आइसेंट्रोपिक इफिशेंसी नहीं होती तो 3 to 4 एक्सपेंशन होता, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होती, लेकिन ड्यू टू द फ्रिक्शन अभी एक्सपेंशन 3 to 4 डैश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्क क्या होगा, आप मुझे बताइए एक्चुअल वर्क क्या होगा, H3 माइनस H4 डैश, और आइसेंट्रोपिक वर्क कितना हुआ, H3 माइनस H4। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट में आए।